कवर्धा मामले को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कवर्धा मामले को यह सरकार हल्के में ले रही है वह दुर्भाग्यजनक है और शर्मनाक है। इस प्रदेश में दो तिहाई से भी ज्यादा वोटों से जिनके वोटों से यह सरकार जीत कर आई है उन्हीं का अपमान कर रही है और उनके साथ में अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी, आंदोलन करती रहेगी और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देती तब तक हम चुप नहीं बैठेगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अजय चंद्राकर और विधायक शिवरतन शर्मा, राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे के साथ कवर्धा में जिनके साथ मारपीट किया गया दुर्गेश देवांगन भी मौजूद रहे। वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल निश्चित रूप से कवर्धा के मामले को जिस प्रकार से ये सरकार हल्के तरीके से ले रही है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, वो शर्मनाक है। इस प्रदेश में दो तिहाई से ज्यादा बहुमत जिनके वोटों से ये सरकार जीत कर आई है उन्हीं का अपमान कर रही है और उनके साथ में अन्याय कर रही है, उनके ऊपर में अत्याचार कर रही है। भगवा ध्वज जो इस देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, इस देश की आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रतीक है, जन जन की भावना का प्रतीक है, ऐसे भगवा ध्वज के अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करने की बजाय इस अपमान का विरोध करने वाले लोगों को जेल में डाल रही है, उनकी जमानत करने से रोक रही है और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी, आंदोलन करती रहेगी और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस कह रही है कि ये अब कानूनी मामला हो गया है, न्यायालय के पास जाएगा। कानूनी मामला थोड़ी है, जब सरकार को इसके ऊपर में जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ में जुर्म दर्ज करना, ये तो सरकार का काम है। आज भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके कारण वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई, आज उनके खिलाफ में सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके खिलाफ में कार्रवाई करे। अभी आपने देखा दुर्गेश देवांगन के ऊपर में चाकुओं से हमला हुआ, रॉड से हमला हुआ, उनके खिलाफ में 307 दर्ज नहीं है परंतु बाकी लोगों के खिलाफ में 307 दर्ज होता है, ये तो दुर्भाग्यजनक है। निश्चित रूप से हम नालीसी कार्रवाई करेंगे और उसमें मुख्यमंत्री जी से लेकर मोहम्मद अकबर से लेकर जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं सबके खिलाफ में हम न्यायालय में जाएंगे कि इनके खिलाफ में जुर्म दर्ज किया जाए। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।